यह वीडियो क्लास 10th में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। ये साइंस विषय से बनाया गया है। जो भी छात्र इस बार क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो निश्चित रूप से वीडियो को अंत तक देखें। और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th के साइंस विषय का VVI प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न बार बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें। आप इस चैनल के माध्यम से बेहतर तैयारी कम समय में कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सभी शाकाहारी जंतु को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है शाकाहारी जंतु को। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, लगभग 8 से 10 मीटर लंबा, यानी 8 से 10 मीटर। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, CaCO3। CaCO3। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अभिकारक। अभिकारक। उसके बाद छठा प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, CaOCl2। CaOCl2। उसके बाद सातवां प्रश्न है, हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? हार्मोन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, स्टर्लिंग ने। स्टर्लिंग ने। उसके बाद आठवां प्रश्न है, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 19। उसके बाद नवां प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, Na2CO3। Na2CO3। दसवां प्रश्न है, मैग्नीशियम का फीता किस लौह के साथ जलता है? यानी मैग्नीशियम के फीता को जलाने पर कैसी लौह उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नीली लौह। नीली लौह। उसके बाद ग्यारहवां प्रश्न है, आवर्त सारणी में दाई और रखे गए तत्व को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ओ धातु। ओ धातु। उसके बाद बारहवां प्रश्न है, आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त को क्या कहते हैं? चतुर्थी एवं पंचम आवर्त को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दीर्घ आवर्त। दीर्घ आवर्त कहते हैं। उसके बाद तेरहवां प्रश्न है, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद चौदहवां प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, काला रंग। काला होता है। उसके बाद पंद्रहवां प्रश्न है, कौन सा धातु अम्ल राज में घुल जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सोना। या इस सेट का अंतिम प्रश्न है। आप क्लास 10th की यदि बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो को अंत तक देखें। आप यहां से कम समय में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ये क्लास 10th के साइंस विषय का VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और इससे पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप जो है सभी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।